हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे चैनल रूरल विलेज लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे खेत खलियान। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे यहां सरपत की कटाई चल रही है। तो देखिए, ये देखिए इधर सरपत ही सरपत हैं। आप जो गाँव देहात से लोग होंगे उनको पता होगा सरपत क्या होता है। इससे छप्पर छाई जाती है, छानी छाई जाती है दोस्तों, उसे सरपत कहा जाता है। तो हमारे यहाँ कटाई चल रही है सरपत की, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इधर सरपत की कटाई चल रही है। सरपत काटने के बाद बोझ बोझ बांधा जाता है छोटा छोटा। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप, सरपत की कटाई बहुत ज़ोरों से चल रही है दोस्तों। इसको छप्पर ऊपर छवाना रहता है, वो सरपत ऊपर कटवाता है। वो उधर एक मजदूर वो सरपत काट रहा है दोस्तों। वो देखिए बांध रहा है सरपत। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे मेरे गांव में कितने बांस से बांस आपको दिख रहे होंगे। पीछे मेरा गांव है और गांव के ऊपर ये सरपत है। सरपत अभी कट रहा है, देखिए गांव के मजदूर हैं, ये सरपत काट रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने सरपत रखे गए हैं। अभी पूरा कटना है दोस्तों, ये सरपत ये पूरा कटना है। चलिए दोस्तों मैं आगे आपको कुछ और दिखाता हूँ। अभी तो देखिए सरपत कैसे बांध रहे हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरा सरपत है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप। जो गांव देहात के लोग होंगे उनको सरपत के बारे में पता होगा, जो शहर के लोग होंगे आप देख लीजिए सरपत। ये देखिए सरपत ही है पूरा ये। ये देखिए दोस्तों, इधर सरपत है और इधर खेत खलिहान है। इधर खेती हुई है सरसों, इधर भी सरसों। देखिए दोस्तों सरपत ही आपको दिखा रहा हूँ अभी मैं। दोस्तों ये ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन हाँ ये है, हर चीज़ ऑर्गेनिक खाने को मिलता है यहाँ पर। इधर मैं आपको दिखाऊंगा सरपत, अभी इधर दिखाऊंगा मैं। देखिए इधर गेहूँ, उधर देखिए थोड़ा दूर मेरे अंकल दिख रहे होंगे, भैंस के लिए चारा कजवाड़ कर रहे हैं। उधर हमारा मुर्गी फार्म बना हुआ है छोटा सा। ये देखिए मेरे अंकल भी भैंस के चारे कजवाड़ कर रहे हैं। उधर थोड़ा दूर अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, अगर दिख रहा है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लोग चना का साग खोदने के लिए आए हैं। उधर भी एक मुर्गी फार्म है हमारे अंकल जी का है वो मुर्गी फार्म। और इधर देखिए ये सरपत ही आपको दिख रहा होगा अभी। इधर चना बोया गया है जो आप देख पा रहे हैं सामने, उधर चना है। और इधर हमारा, चलिए आगे दिखाते हैं अभी आपको हम। ये देखिए उपली, आप जानते होंगे उपली। ये देखिए उपली पाती गई है, गाँव के लोग यहाँ पाते हैं उपली। किसी दिन अगर मौका मिला तो मैं आपको उपली पाते हुए दिखाऊंगा जो उपली कैसे पासी जाती है। ये गोबर से पासी जाती है, जो मवेशी के गोबर होते हैं उसी से बनती है उपली। और इसे तापने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये देखिए मेरे अंकल इधर भैंस का चारा लेके आ रहे हैं। दोस्तों उधर मैं दिखाता हूँ और थोड़ा आगे आपको, हमारा छोटा सा तालाब है, मवेशी जहाँ पानी पीते हैं और उसमें मछली पालन हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये रूरल विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन है, मैं ग्रामीण जीवन दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। दोस्तों इधर देखिए हमारे मवेशी बांधे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इधर मैं दिखाता हूँ आपको अभी हमारा छोटा सा तालाब, इसमें मछली पालन भी हुआ है और इसमें हमारी भैंसें गायें जो हैं पानी पीती हैं और गर्मी में इसमें स्नान भी करती हैं। और देखिए दोस्तों ये हमारा डॉगी बैठा हुआ है। तो दोस्तों रूरल विलेज लाइफ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बने रहिए, मैं आपको ग्रामीण जीवन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे अंकल देखिए भैंस का चारा लेके आ गए हैं। भैंस का चारा, ग्रामीण जीवन में भैंस का चारा बहुत ज़रूरी होता है। भैंस हम लोग ज़रूर रखते हैं अपने दूध वूध के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। दोस्तों मैं आपको ग्रामीण जीवन दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर।